हेलो दोस्तों, ख्वाजा ऑटो सर्विस सेंटर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बताऊंगा आपको गियर बक्सा कैसे सेट करते हैं स्प्लेंडर प्रो का। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप अभी हमने बताया था आपको कि गियर बक्सा भी हमने सेट करना था, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखो कितनी साफ़ सफाई से हमने काम कर रहे हैं। एकदम इंजन के हर एक वो नट बोल्ट जो हमने साफ़ कर लिया पूरी तरीके से, और चैम्बर भी एकदम चमकता हुआ क्लियर दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और हमारा सामान सारा कम्प्लीट है, हमने ओरिजिनल सामान डालना है इसके अंदर, और आपको हम दिखाएंगे अभी कैसे फिट करते हैं गियर बक्सा क्रैंक के अंदर। दोस्तों अभी हमने ले लिए काउंटर साबट, और इसके बाद हम इसको गियर से फिटिंग करके दिखाएंगे कौन सा गियर लगे और कैसे कैसे लगे। तो दोस्तों अभी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से, अब हम दिखाते हैं कौन सा गियर लगे इसमें। दोस्तों इसमें पहला गियर लगेगा, और उससे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर ये कॉलर बोंगली, तो इसके अंदर ये बुश ऊपर लगा देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद ये वाला जो गियर है पहला वाला, इसके अंदर हम जो है ये जो खांचा देख रहे हो इसको नीचे की साइड रखेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो दोस्तों इस साइड में इस तरीके से लगा के इसको दांते ज़रूर चेक कर लें, किसी दांते में अगर कोई कटा हुआ है तो उसको चेंज ज़रूर कर दें। दोस्तों इसके बाद हम जो है इसकी वाशर लगा देंगे यहाँ पर, अभी वाशर लग चुकी है, अब हम इसको गियर सेलेक्टर फिट करेंगे। तो दोस्तों हमने अभी ये दूसरा गियर लगा लिया है, इसके अंदर एक वाशर लगेगी और ऊपर से लॉक है, फिर इसके बाद ये जो है सेकंड थर्ड गियर है जो इसके ऊपर हमने एक लॉक और लगा दिया है, जिसको ऊपर तीन रहेंगे और इसके नीचे रहेगा गियर सेलेक्टर फंसने का जवाब। तो ये गियर हमने जो है पूरी तरीके से लगा दिया है, अब हम आपको दिखाएंगे फिट कैसे करते हैं। न्यूट्रल लाइट लगा लिया इसका, न्यूट्रल स्विच का ये वाशर और न्यूट्रल स्विच का हमने लगा लिया वाशर, अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं इसको फिट करते हैं पूरी तरीके से। तो दोस्तों अभी हमारा जो है सिस्टम पूरी तरीके से बैठने वाला है। हाँ तो दोस्तों अभी हमने इसको मेन सापट को लगा देना है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे बैठ चुकी है। तो दोस्तों गियर हमारा पूरी तरीके से बैठ चुके हैं, अब हमने और भी गियर लगा लें। तो दोस्तों अभी हमने एक ऊपर इसके ऊपर लॉक लगा दिया वाशर, और इसके ऊपर हमने लगा दिया तीसरा गियर, तीसरा गियर पूरा फिट हो चुका है। दोस्तों अभी हमने ऊपर इसके ऊपर काउंटर साफ्ट के ऊपर एक वाशर और लगा ली है, एक वाशर इसके ऊपर लगा देनी है, फिर इसके ऊपर दोस्तों ये वाले वाश गियर लगा देना है, चौथा गियर और एक वाशर लगाने वाले हैं मेन साफ्ट के अंदर इसके ऊपर, ये वाली वाशर छोटी वाली। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखें, वाशर हिसाब से लगाएं, अगर कोई गियर कटा हुआ है तो उसको नया जरूर डाल दें। तो दोस्तों गियर हमारे पूरी तरीके से फिट हो चुका है, और एक वाशर और लगा देनी है प्लेन वाशर जो मेन काउंटर साबट के ऊपर लगा देने हैं। तो दोस्तों ये हमारे वाशर पूरी लग चुके हैं, और गियर हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, अभी हम इसको फिट करने जा रहे हैं, और हमने इसके ऊपर अब ये गियर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद दिखाएंगे आपको क्रैंक कैसे फिट करते हैं। हमारी क्रैंक पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अभी हमने इसके अंदर दोनों बैरिंग नए डलवा दिए हैं, और ये भी दोनों बैरिंग डलवा दिए, कनेक्टिंग रॉड नहीं डलवा दिए, और गाड़ी की हमारी जो क्रैंक है एकदम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कैसे फिट होगी, तो इस तरीके से फिट कर देंगे, हाथ को एकदम सीधा रखना है। तो दोस्तों हमारी क्रैंक पूरी तरीके से तैयार है, अभी हमने इसको लगा दिया पूरी तरीके से, एक बार चेक कर लेते हैं घुमा के, तो इसमें घुमा के एक बार ज़रूर चेक कर लें, कोई दिक्कत हो टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसको दोबारा से चेक करवा लें ठीक ठाक हो। तो दोस्तों हमने डावल ले ली दोनों, हमने डावल एक यहाँ पर लगा देनी है और एक डावल इधर लगानी है। तो दोस्तों इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें, डावल का हमने डावल लगा दी है, अभी हमने इसके ऊपर पैकिंग लगा देनी है, ये पैकिंग है हमारी, तो ये हमारी पैकिंग पूरी तरीके से लग चुकी है। तो दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, पैकिंग फटी टूटी ना लगाएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें। और इसके किक को हम एक बार यहीं से यहीं पकड़ के इसको सेटिंग कर लेते हैं, खांचे में बैठा देंगे इसको। तो दोस्तों यहाँ पर किक बैठ चुकी है, अभी हमने चैम्बर को पूरा क्लियर कर लिया, हर चीज़ को साफ़ कर रखा है। तो दोस्तों अभी हम इसके अंदर बैठा देते हैं। दोस्तों चैम्बर हमारा पूरी तरीके से बैठ चुका है, और हमारी हर चीज़ फ्री है, अब हम इसके अंदर नट बोल्ट लगाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको कि आप क्या फिटिंग में कौन से बोल्ट लगा लें। तो है गियर, इसका गियर का फोक का जरूर देख लें, ये नट 10 नंबर का लगा देना यहाँ पर, 10 नंबर की गोटी से टाइट कर दिया हमने इसको। तो हमने एक बोल्ट यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है, लगा देना है, दूसरा यहाँ लगा देना है, एक इसके सामने और एक इसके बाद यहाँ लगाना है, लग चुके हैं, वो इसको फिट करना है। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, देखो कितना जंग लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें जो है कंपनी ने हमारे क्या करा है, सील जो ये वायरिंग जो दी है इसके अंदर कोई वो नहीं दे रखी है, सील पूरी तरीके से, तो सील पे वो तार, तो तार में वजह से इसमें पानी हो जाता है, तो पानी की वजह से हम के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जो इसके अंदर पानी ना आवे और ये लीकेज ना हो पाए। तो दोस्तों अभी हमने एन अमाउंट ले लिया, और इसके अंदर हम लगा देते हैं
जिससे हमारा जो पानी रुकना बंद हो जाएगा, जिससे लीकेज नहीं हो, ये जो है यहाँ पर सीलिंग ना हो पाए, जिससे हमारा जंग लग जाता है तो इसमें करंट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। फिट हो चुकी है हमने, इसके अंदर बॉन्ड लगा दिया है और ये सूख जाएगी, फिर उसके बाद फिट करेंगे इसको। इससे लोग जो है गाड़ी को चलाते हैं, बाइक को, स्प्लेंडर को, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि गियर एडी से मारते हैं, तो जिससे टूटने का डर हमारा ये गियर अडा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो ये ऊपर नीचे करता है इस तरीके से, तो इसलिए टूटने का बहुत चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, पंजे से ही लगाएं गियर और पंजे मतलब एडी से आराम से निकालें, तो एडी से जो गियर निकालते हैं बाई चांस आगे की साइड, तो इस वजह से ये टूटने के बहुत चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा काम ना करें जिससे परेशानी हो, बाइक में बार बार परेशानी हो, जिससे गियर अडा टूटने के चांस रहे, जैसे गियर निकालें और एडी से लगाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, हम मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और फिर दिखाएंगे कोई नया फॉल्ट।